हर बिजनेस को कभी ना कभी जीटीए की सर्विसेज लेनी पड़ती है। जो लोग गुड्स में डील करते हैं उनको तो रेगुलरली माल भाड़ा पे करना पड़ता है, यानी कि फ्रेट, यानी कि जीटीए। मैं हूँ शिफाली गिरदरवाल और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ वो सारे इंपॉर्टेंट इशू जो माल भाड़े से रिलेटेड हैं। माल भाड़ा उसका सबसे सिंपल वर्ड है। सबसे पहले कि किस केस में आरसीएम लगेगा माल भाड़े पे, तो ये तो हम सबको ऑलमोस्ट पता ही है कि माल भाड़े पे आरसीएम लगता है। देन कब उस पे आरसीएम नहीं लगेगा, कब माल भाड़ा एग्जेम्प्टेड होगा और कब आप उस पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर पाएंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। 13/2017 जो मेरा रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन है सर्विसेज का एज अमेंडेड डेट टू डेट, कई बार उसमें चेंजेस किए गए हैं, उसकी सबसे पहली एंट्री माल भाड़े को कवर करती है। लेकिन लॉ ने उसके लिए फ्रेट या माल भाड़ा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लॉ ने उसको जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज के नाम से कवर किया है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से अगर आप कोई भी सर्विसेज लेते हैं तो लॉ कहता है कि आपको उसमें रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। तो रिवर्स चार्ज में आप उस पर कितना परसेंट टैक्स पे करेंगे, आपको 5% टैक्स पे करना है और इनपुट टैक्स रेट आपको मिल जाएगा। आपको मतलब किसको, रिसिपिएंट को, जिसने कि टैक्स 5% के रेट पे किया है। लेकिन इस पे, इस प्रोविजन के आने के बाद जीटीए ने शोर मचाना शुरू किया, क्योंकि उनको आपने बोला कि ना तो तुम्हें टैक्स पे करना, ना तुम्हें आईटीसी मिलेगा और तुम रजिस्ट्रेशन भी मत लो। बट जीटीए को समस्या ये थी कि उसके परचेजेस पे काफ़ी सारा टैक्स लग के आ रहा था और उनकी कैपिटल गुड्स की परचेज काफ़ी होती थी, ट्रक्स परचेज करने होते हैं और 28% भी टैक्स रेट थी कहीं जगह पे। तो उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा मत करो, हमें आरसीएम नहीं चाहिए, आप हमें फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स लगाने दो। तो फिर प्रोविजन के अंदर चेंज किया गया और 22/2017 से गवर्नमेंट ने उनको फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स पे करने का राइट दे दिया। तो जीटीए के केस में अगर अब जीटीए चाहे तो वो 12% के रेट पे फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है। अगर जीटीए 12% में फॉरवर्ड चार्ज का टैक्स पे कर रहा है तो फिर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा जीटीए को, और जो आपसे परचेज कर रहे हैं उनको उस पर आरसीएम में टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो सबसे पहला मेरा ऑप्शन क्या हो गया कि आप अगर फॉरवर्ड चार्ज वाले डीटीए से कुछ भी परचेज कर रहे हैं तो आपको आरसीएम नहीं पे करना। ये किन लोगों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है, जो लोग एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हैं, जो लोग चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट? तो उन सब के केस में क्या होता है कि वैसे तो उनको रजिस्ट्रेशन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मान लो आपने एक बार जीटीए की सर्विसेज अवेल कर ली और आपकी जो मिनिमम लिमिट है उससे ऊपर हो गई, 1500 और 750 की दो मेरी लिमिट्स होती हैं इसके अंदर, माल भाड़े के अंदर, तो आपको अननेसेसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। प्रोविजन इस तरह की और एडवांस रूलिंग भी इस पर 2-3 क्लियर कर चुकी है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा आरसीएम में। तो इसलिए उस केस में आपके लिए अच्छा है कि आप फॉरवर्ड चार्ज में जो जीटीए टैक्स चार्ज कर रहा है उसको आप पिक करें। अब हम लोग इसके दूसरे हिस्से में ये देख रहे हैं कि किस किस केस में जीटीए पे टैक्स लगता ही नहीं है, मतलब एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी एग्जेम्प्टेड है टैक्स पे करने से। तो आरसीएम में किन किन को पहले कवर किया गया है वो मैं एक बार आपको बताती हूँ। तो एनी फर्म, कंपनी, LLP, ट्रस्ट, सोसाइटी, इन सबको, फैक्ट्री, इन सबको कवर किया गया है कि अगर ये सब कुछ भी परचेज करेंगे तो उनको जीटीए में आरसीएम देना पड़ेगा। देन एनी अदर रजिस्टर्ड पर्सन, तो वैसे इंडिविजुअल और HUF को बाहर रखा है लिस्ट से, लेकिन इंडिविजुअल और HUF ने अगर रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उनको भी आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। देन अगर उन्होंने आरसीएम में टैक्स पे नहीं करना, यानी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तो अब सवाल ये होता है कि क्या जीटीए को फॉरवर्ड चार्ज में लगाना पड़ेगा। तो इसमें मुझे इसके साथ साथ 12/2017 जो कि एग्जेम्प्शन का नोटिफिकेशन है उसको भी गो थ्रू करना पड़ेगा। तो 12/2017 जो मेरा नोटिफिकेशन है उसने ये क्लियर कर रखा है कि इस केस में जहाँ पे इंडिविजुअल को आपको ये सप्लाई दे रहे हो उसके हाउस होल्ड यूज़ के लिए, तो वो एग्जेम्प्टेड है, ट्रांसपोर्टेशन को ही एग्जेम्प्ट कर रखा है, तो वहाँ पे भी यानी कि रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी हैं जिनकी ढुलाई पे जो माल भाड़ा लगेगा उसको वैसे ही एग्जेम्प्ट कर रखा है लॉ में, तो अगेन ना जीटीए को ना रिसिपिएंट को, दोनों में से किसी को भी इस पर माल भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए जो मेरा 12/2017 है, अगेन वो क्योंकि एग्जेम्प्शन का नोटिफिकेशन है, तो उसके अंदर 3 एंट्रियाँ हैं जो इसको कवर करती हैं, एंट्री नंबर 21, 21A और 21B। इन तीनों एंट्री के अंदर वो चीज़ें कवर की गई हैं। सबसे पहले एंट्री नंबर 21 के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कवर की गई है। तो ध्यान रखिए जहाँ पे भी आप कोई भी एग्रीकल्चरल आइटम को अगर जीटीए के द्वारा ले जा रहे हो तो वो भाड़ा पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, तो ना रिवर्स चार्ज में देना ना फॉरवर्ड चार्ज में देना, उस पर टैक्स लगेगा ही नहीं। वेयर द कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500। तो जब ट्रक में सिर्फ आपकी वस्तुएं जा रही हैं तो अगर 1500 से कम भाड़ा है, और अगर मल्टीपल जा रही हैं तो अगर 750 से कम भाड़ा है तो आपको टैक्स नहीं देना। वेन मिल्क, सॉल्ट,
फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर पल्सेस एंड राइस आर ट्रांसपोर्टेड. तो जब आपने दूध या फिर नमक, फूड ग्रेन यानी कि अनाज, पल्सेस यानी कि दालें या चावल, अगर आप उनकी ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो भी आपको उस पर टैक्स नहीं देना भाड़े पे. वेन ऑर्गेनिक मैन्यूअर, तो जो आपकी ऑर्गेनिक खाद होती है उसके लिए आपको नहीं देना. न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए नहीं देना. रिलीफ मटेरियल, अगर किसी नेचुरल कलामिटी के विक्टिम्स जो हैं, डिजास्टर के, कलामिटीज़ के, उनके लिए जा रहा है तो आपको नहीं देना. देन डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो भी आपको उस पर मालवाड़े पे टैक्स नहीं देना. देन एंट्री नंबर 21A जो कवर करती है, 21A कवर करती है कि अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी इंक्लूडिंग द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो उस केस में एग्जेम्प्टेड एंट्री, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. देन 21B कवर करती है कि जहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन टेरेटरी या स्टेट या लोकल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एजेंसी को कोई सर्विसेज दे रही है तो वो भी एग्जेम्प्टेड रखी गई हैं. और ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे माल भाड़े से रिलेटेड. तो माल भाड़े से रिलेटेड अब आपको पता चल गया कि कब आपको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगाना है, कब आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स लगाना है. इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो माल भाड़े पर सबको परेशान करता है. कई लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जब मुझे माल भाड़े पे रिवर्स चार्ज देना है तो मैं उसमें CGST SGST चार्ज करूँ या IGST चार्ज करूँ. यहाँ पे ध्यान रखिए, आप ये सवाल मत पूछिए CGST SGST या IGST, आप ये पूछिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानना होगा. तो प्लेस ऑफ सप्लाई जैसे ही आपको क्लियर होगा टैक्स लगाना आपके लिए बड़ा आसान है. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की जो सर्विसेज है सेक्शन 12 IGST एक्ट का उसको कवर करता है. वो कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो तो उसकी लोकेशन, और अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो तो जहाँ पे आपने गुड्स हैंड ओवर की फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो अब मान लीजिए मैं किसी अनरजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टर से कुछ गुड्स ढुलाई करवा रही हूँ, राइट. अब यहाँ रखना है सप्लायर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ही, तो जहाँ पे उस ट्रांसपोर्टर की लोकेशन है वो और जो उस सर्विसेज की रिसिपियंट है. तो अगर उसने बिल मेरे नाम पे काटा है, तो माल बेचने और खरीदने का, तो मान लो मेरा और किसी एक मिस्टर एक्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है और ट्रांसपोर्टर इज मिस्टर टी, तो ट्रांसपोर्ट तो मिस्टर टी कर रहे हैं लेकिन गुड्स की सेल परचेज हमारे बीच में हो रही है. तो अगर उसने मुझे बिल किया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए तो उसकी लोकेशन और मेरी लोकेशन देखोगे, राइट. क्योंकि रिसिपिएंट के रजिस्टर्ड होने की बात करें, मैं तो रजिस्टर्ड हूँ, है ना. और अगर उसने उसको बिल किया है तो इसकी और उसकी लोकेशन देखोगे. तो अगर दोनों सेम स्टेट में है तो आपको CGST SGST चार्ज करना है, अलग स्टेट में है तो आपको IGST चार्ज करना है. और अगर मान लो मैं भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे मैं भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इंडिविजुअल हूँ अगर, तो मेरे को फिर जरूरत नहीं RCM पे करने की. हाँ, अगर मैं कंपनी या वैसे कोई एंटिटी हूँ तो फिर मुझे बाकायदा रजिस्ट्रेशन लेके उसको चार्ज करना पड़ेगा, तो अनरजिस्टर्ड वाला केस तब भी नहीं बचेगा. तो ये मेरे प्रोविजंस थे माल भाड़े से रिलेटेड. काफ़ी कंफ्यूजन था इसमें और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते थे, तो मुझे लगा कि बार बार एक एक क्वेश्चन का आंसर देने से अच्छा है कि इस पर फुल वीडियो बनाया जाए. तो विद दिस इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो. अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अपने खुद के इनबॉक्स में आसानी के साथ मिलती रहे. थैंक यू सो मच.